आगे से थोड़ा सा लेफ्ट राइट लीजिए। एक साथ लेफ्ट राइट कौन लेता है? अरे डायरेक्शन और कोरियोग्राफी दोनों साथ में कर लेते हैं। तो क्या हम कुछ बोले? चलिए कोई बात नहीं, उतर जाते हैं। आइए आइए। वैसे भी हमारी डेस्टिनी आ गई है। ए डेस्टिनी नहीं, डेस्टिनेशन होता है। लेकिन हमारी तो डेस्टिनी है यहाँ। ये कौन है? नहीं सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कौन? ये कौन? okay, okay. पहले रेमो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रेमो सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। रेमो सर एक बात बताइए, आपकी सारी फिल्में हिट जा रही हैं, तो आप ये ट्रैक्टर क्यों खींच रहे थे? मैं एक्चुअली सुधुपा जी ये दोनों मुझे छोड़ के आ गए थे, मैं वहां भटक रहा था। मैंने इनसे बोला कि मुझे यहाँ जाना है, खुद पीछे बैठ गया और मेरे को यहाँ से यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ। और इनको मैं वही सोचू यार, इतना बड़ा ट्रैक्टर, उनको ट्रैक्टर खींचने की क्या जरूरत है? ए झूठा है। और पहले तो आप जरा अपना एडुकेशन ना, बचपन में थोड़ा अपने शरीर में घुसड़े होते तो आपको पता होता कि ये ट्रैक्टर नहीं है, रिक्शा है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। रिक्शा के ऊपर ट्रैक्टर क्यों खींच रहे थे? हम ट्रैक्टर हैं, हम पे क्या फट 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 की आवाज आती है। तुम खुद ही क्लियर कर रही हो तुम्हारे कहाँ कहाँ से क्या क्या आवाज आती है, पागल कहीं की। एक एक काम कीजिए, हम रिक्शा में आपको यहाँ पर लेके आइए। चलिए रिक्शा का भाड़ा निकालिए, 2 लाख रुपया। कैश तो नहीं है, एक मिनट। एक स्टेप का 1 लाख रुपए, 2 लाख हो गया। हाँ महंगे ट्रैक्टर है। लीजिए 3 लाख का स्टेप तो हम कर दिए। अभी आपके ऊपर चढ़ गए, 1 लाख रुपया निकालिए। हेलो हेलो, हाय हाउ आर यू? शट अप। ये बहुत भोली, ऐसे नहीं जाएगी। इसके मुंह पे एक गर्मा गर्म फ्लाइंग किक मारी ना। एक मिनट रुकिए, ये आदमी को हम जानते हैं, ये लड़की को आंख नहीं मारते, फ्लाइंग किक क्या मारेंगे। बहुत ही सीधे साधे आदमी है। इनका नाम तो टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर शरीफ होना चाहिए। और जितना तुम 16 तरफ से बढ़ रही हो ना, तुम्हारा नाम संतोष नहीं असंतोष होना चाहिए। देखिए हमारे साइज से हमको खुद को जितना प्रॉब्लम नहीं है, उसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको। ऐसा क्यों? हम क्या अपना पेटीकोट सिलने के लिए दिए हैं आपको? साइज 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 लगा रखे। अरे संतोष तुम खड़ी क्यों हो? भागो ना यहाँ से। क्या तरीका है बात करने का? अरे मैंने कहा आप खड़ी हैं, भाग लीजिए थोड़ा। अरे क्यों भागे हैं? देखिए यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ। रेमो सर आइए, रेमो सर को चेयर पे नहीं बैठना, उनके प्रॉब्लम है। आइए आप बीन बैग पे बैठिए, आइए चलिए उधर। आपको इसलिए कहा था, आप रिक्शा में बिठा के ले आए उसको। पर आपको बताएं, हमने ना बैली डांसिंग सीखे हैं, दिखाएं आपको। पहले ये ट्रैक्टर पीछे करो आप। बैली डांसिंग? अभी तो इसने नॉर्मल ही किया है, कभी जोर से करती है तो फाड़ के निकल जाता है। बैली डांस कौन सा आता है आपको? ए देखिए। ये बैली डांस है? ए तो बैल डांस हुआ ना ये तो। बैल थक गया यार, जूस निकालते। ये क्या है, अपने दिमाग में मुक्का मार के खुद ही टेढ़ी हुई जा रही। इसको बैली डांसिंग नहीं कहते हैं? नहीं। अरे तो लगता है वो दामोदर डांस एकेडमी हमें कुछ गलत सिखा दिया है। चलिए जाने से पहले एक सोशल संदेश देना चाहते हैं। टाइगर जी आप जरा इधर आएंगे। देखिए टाइगर जी, ये सच है कि आप दाढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। लेकिन बिना दाढ़ी के आप बहुत क्यूट लगते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज शेव द टाइगर। चलिए हम चलते हैं। थैंक यू। ओके जी, नमस्ते नमस्ते। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। हम अपना रिक्शा लेकर जा रहे हैं। एक बार रेमो सर चेक किया, टाइगर के लिए जोरदार तालियां। आइए सर।